नए बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी ने अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर कोरोना संक्रमण पर सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रखकर जमकर रैली निकाली और सभा की, जिस पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना संक्रमण में छतरपुर के बड़ा मलेहरा के पूर्व विधायक ने सभा कर धारा 144 का उल्लंघन किया। अब उन पर धारा 188 की कार्यवाही की जा सकती है। दरअसल जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ने पर कलेक्टर ने धारा 144 लगा रखी है। इस धारा के तहत किसी भी प्रकार की रैली या सभा करने पर रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी उत्साह में बड़ा मलहरा के पूर्व विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी ने, जो कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में आने पर रैली और सभा की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया और सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए धारा 144 का उल्लंघन भी किया गया, जिस पर कांग्रेस ने भी आपत्ति उठाते हुए आरोप लगाए हैं और पूर्व विधायक के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्टर ने बीजेपी की रैली और सभा करने पर जांच के आदेश दिए हैं और बड़ा मलेरा SDM से जवाब मांगा है कि किस तरह बीजेपी की रैली में नियमों का उल्लंघन किया गया है। आज मैं देख रहा हूं कि छतरपुर जिले में काफिले के रूप में हमारे पूर्व विधायक प्रद्युम्न लोधी जी घूम रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक और एक गाइड जारी की है कि शादी और धार्मिक आयोजन में 20-20 लोग, कोई किसी की मृत्यु होती है उसमें 20 लोग और शादी विवाह में 20-20 लोग जा सकते हैं, लेकिन प्रद्युम्न लोधी जी की रैली ये बता रही है कि सत्ता के गुरूर में आकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी हाल ही में आप भोपाल से रेड जोन से चले आ रहे हैं, निश्चित तौर पर बीमारी किसी को देख के नहीं लगती है। ये सोशल डिस्टेंस का पालन जब यहाँ नहीं कर रहे तो वहाँ भी सत्ता के लोभ में, लालच में इस तरीके से लोगों से जाके मिले हैं। भगवान न करे इनको कहीं कोरोना संक्रमित हों और छतरपुर में आकर जिस तरीके से ये सोशल डिस्टेंस और कोरोना के नियमों का पालन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हमारे यहाँ की भोली वाली जनता इस चीज़ से संक्रमित हो जाए जिससे लेने के देने पड़ जाए। कहा ना कि आप निश्चित तौर पे आप लोग जो आज इसीलिए बात कर रहे थे, अपील भी की है, ऐसे लोग जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो SDMs हैं उनको मैंने बोला है कि उसको देखें और कि इसमें क्या स्थितियां हैं, अगर ये है कि कार्रवाई करने की ज़रूरत है तो कार्रवाई भी होगी। कहा ना कि उसमें SDM को बोला है कि आप उसमें देखें कि क्या स्थिति है और फिर मुझे रिपोर्ट करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।